इधर झारखंड दौरे पर आए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने रांची स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रताड़ना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, आयोग के पास आवश्यक संसाधनों का अभाव है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखेंगे। झारखंड के दौरे पर आए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने रांची स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में झारखंड के अधीन अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के प्रताड़ना मामले और उनके निष्पादन की समीक्षा की गई। उनसे मिलने के लिए समुदाय के लोग भी आए। उन्होंने कहा कि एसटीएससी समाज के लोगों के साथ प्रताड़ना मामले के निष्पादन में गति नहीं है। बाल गृह जो है उसमें अजय कुमार उसके प्रमुख हैं और कई सालों से जिनके माता पिता कहीं ईंट बनाने कोई दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, बच्चों को थोड़े बड़े रहते हैं उनको छोड़ देते हैं, वो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ लत में पड़ जाते हैं, कहीं कई बार वो गुम भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो आशा बाल गृह में रख करके अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने लाल खटंगा स्थित एक बाल आश्रय गृह का दौरा भी किया। स्टेट गेस्ट हाउस में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ विमर्श भी हुआ। आयोग के अध्यक्ष की पीड़ा भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके पास संसाधनों का अभाव है। वे सोचते हैं कि इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रताड़ना होना नहीं चाहिए, ये बंद होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि देश में अभी भी, क्योंकि ये खास करके राज्यों पर निर्भर ज़्यादा करता है और राज्यों में भी हम लोग कई बार रिव्यू किए हैं और एट्रोसिटी जो है, अत्याचार जो होते हैं जनजाति वर्ग पर विशेष करके। नंद कुमार साय का कहना है कि वे जल्द लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखेंगे। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट।